बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। आई होप कि आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखे, ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम तर व्यूवर्स के लिए, तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए। तो डे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सेकंड नोटिफिकेशन जो आया है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वोकेशन के हवाले से आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। और आप ये भी जानते हैं कि हर आने वाली एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी के ऊपर आपको मिल रही है, और इंशाल्लाह मेरी पहले से कोशिश रही है आपकी हेल्प करने की, और मुझसे जितना हुआ मैं आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहूंगा। तो खैर, तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेकंड नोटिफिकेशन के मुताबिक आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज यहां पर आ चुकी है। और साथ ही साथ मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बता दूं कि मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट की थी, जिस पोस्ट में मैंने आपको बताया था कि आप 1 लाख अर्न कर सकते हैं इन 1 मंथ। तो वो कैसे करना है, क्या टेक्निक लगानी है, मैंने आपको कहा था अगर आप यहां से काम लेते हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप थोड़े ही वक्त में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इस दौर में मिलियंस कमाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अगर आप तमाम तर स्टूडेंट्स एग्री होते हैं, मुझे कमेंट में बताते हैं कि सर आप हमें बता दें, तो फिर मैं आपके लिए वीडियो लगा दूंगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वो स्किल्स लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप यस यस का कमेंट कीजिएगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप वो स्किल्स लेना चाहते हैं। वैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमने एक सेकेंड चैनल बनाया हुआ है शेख अली रजा ऑफिशियल के नेम से, वो भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं, मैंने आपको 15 से 20 दिन पहले कहा था कि तमाम तर इम्तिहान हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, मतलब कि उनको एक दफा पोस्टपोन कर दिया जाएगा। हालात काफी ज्यादा इस तरह इस कदर हो चुके हैं, लेकिन काफी ज्यादा बेबुनियाद वीडियोज आती रही, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होगा, लेकिन खैर आप जानते हैं मेरे ओल्ड व्यूवर्स। तो अब जो वोकेशन है, वोकेशन कब तक रहेंगी, पहली बात तो फर्स्ट जो है मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम है उसमें बोर्ड, यूनिवर्सिटीज, इवन के तमाम तार तलीमी इदारे जो हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पर तलीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, और अगर आपके वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे थे तो वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और यहाँ पर तलीमी इदारे कितने दिनों के लिए बंद रहेंगे, और आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन कौन कौन से और कितने दिनों के लिए रहेंगे, और आगे मज़ीद पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, तो वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। लेकिन आप तमाम तर स्टूडेंट्स जो हैं, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लगाना है। हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ करें, जो बैरूने मुल्क हैं उनके लिए भी दुआ करें। और अगर भारत की बात की जाए तो हर 4 मिनट में वहां पर एक वबा की वजह से डेथ हो रही है, तो आप भी SOPs पे अमल करें। वबा जो है काफी ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो आप कैसे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से पहले से बेहतर हो गई है। मज़ीद आप मेरे लिए भी दुआ किया करें, मैं अक्सर आपके लिए करता रहता हूँ। तो डेढ़ शूट्स जो 26 के बाद जितने भी आपके एग्जाम पेपर, रिमेनिंग पेपर आपके बचते थे, वो आपके ईद तक मुकम्मल तौर पर पोस्टपोन हैं। क्लियर और वाजे सुन लें। और दूसरे नंबर पर ईद तक आपको वोकेशन है। अगली बात भी मैं आपको बता दूं, वोकेशन जो है ईद के बाद ज़्यादा होने के मज़ीद चांसेस बन रही हैं, वोकेशन ज़्यादा हो सकती हैं, आपके एग्ज़ाम मज़ीद लटक सकते हैं, मज़ीद आपको पोस्टपोनिंग चले जा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रमोशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रही हैं। लेकिन आप प्रमोट पे सिर्फ ना रहें, अपने आप को तैयार रखें और अपनी प्रिपेयरिंग जारी रखें, अपने आप को थोड़ा सा काबिल ज़रूर बना लें। बाकी जो जो कोई भी अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से स्टूडेंट्स बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अगेन ये बताएं, ये बताएं, तो मैंने यहाँ पर वो तमाम बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पूरी बात समझ चुके हैं, तो काइंडली वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा।
मुझे दीजिएगा इजाजत, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।